मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस अल्लाह के हुक्म से पहुंच गए, आप सवारी से नीचे उतरे तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को एक पत्थर के साथ या दीवार के साथ बांध दिया और उस दीवार को दीवार बुराक कहा जाता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके साथ सवारी बुराक को बांधा। लेकिन यहूदियों ने इस दीवार के ऊपर गासिबाना कब्जा करते हुए, इस दीवार को अपने कब्जे के अंदर लेते हुए दीवार का नाम ही तब्दील कर दिया और इस दीवार को आज की दुनिया में दीवार गिरिया कहा जाता है। एक आलिम फरमा रहे थे कि मुसलमान बड़े सखी होते हैं, मुसलमानों के पास जो भी मांगने के लिए आता है तो उसे दे देते हैं। मुसलमानों के पास ये दीवार बुराक थी जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बुराक सवारी को बांधा था, लेकिन यहूदी चीखते चिल्लाते हुए मुसलमानों के पास आए कि ये दीवार बुराक भी हमें दे दो। तो मुसलमान इतने सखी थे कि मुसलमानों ने यह दीवार भी इनको दे दी और वो लोग इस दीवार के पास आके रोते चीखते चिल्लाते थे, हत्ता कि इस दीवार का नाम दीवार गिरिया रख दिया गया और यहूदी इस दीवार के पास आकर आके दज्जाल का इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि हमारे मसीहा कब आएंगे। हम तो मसीह कहते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और यहूदी मसीह कहते दज्जाल को कि जब दज्जाल आएगा तो हमें दुनिया के अंदर गलबा नसीब हो जाएगा, जब दज्जाल आएगा तो हमें दुनिया के अंदर कामयाबी और फतह मिल जाएगी। तो इस दीवार के पास नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को बांधा, फिर आप अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ ले गए। तमाम अंबियाए किराम मेरे महबूब का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद अक्सा भी वो बाबरकत मस्जिद है जिस मस्जिद के अंदर मेरे महबूब के सिर्फ कदम नहीं लगे बल्कि मेरे महबूब की मुबारक पेशानी लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ अंबिया को इमामत करवाई है। फिर ये मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जिस मस्जिद के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हजरात अंबियाए किराम को खुतबा दिया है। आप अलैहिस्सलाम बोल रहे थे, महबूब खुतबा दे रहे थे और हजरात अंबियाए किराम आपके खुतबे को सुन रहे थे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खुतबे के अल्फाज जब कानों के अंदर पढ़ रहे थे तो साथ मेरे महबूब के मुबारक मुंह से, मुबारक जुबान से, मुबारक दांतों से नूर की शुआएं भी फूट रही थी। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो सामने वाले दांतों के दरमियान से नूर की शुआएं फूट रही होती थी। आप अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो यूं महसूस होता था अनवारात बरस रहे हैं, रहमत बरस रही है। तो जब मेरे महबूब को किसी सहाबी ने देखा तो उस वक़्त अनवारात बरसते थे और जब देखने वाले अंबियाए किराम हो और जगह मस्जिद अक्सा हो, इलाका बैतुल मुकद्दस को हो, ज़मीन फलस्तीन की हो तो वहाँ पे अनवारात की कितनी बारिश होगी, वहाँ अनवारात कितने बरस रहे होंगे। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि मस्जिद अक्सा के अंदर अंबियाए किराम के कदम लगे, दो जहाँ के सरदार के कदम लगे। आज उस मस्जिद के एक एक जर्रे से मेरे पैगम्बर के अनवारात महसूस होते हैं। यही तो वजह है कि इस मस्जिद की हिफाजत के लिए, इस मस्जिद का दिफा करने के लिए आपको जहां पे बूढ़ा नजर आएगा, इस मस्जिद का दिफा करते हुए जहां आपको नौजवान नजर आएगा, इस मस्जिद का दिफा करते हुए आपको छोटा मासूम फलस्तीनी बच्चा भी नजर आएगा जो कभी इसराइली टैंक के सामने जाके खड़ा हो जाता है, कहता है अपनी जान तो दे दूंगा लेकिन इन टैंकों को, इन यहूदियों को मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। वो बच्चा शहीद हो जाता है, कोई और बच्चा आ जाता है। ये जज्बा बच्चों के अंदर क्यों पाया जाता है? ये जज्बा जवानों के अंदर भी पाया जाता है, ये जज्बा वहां के बूढ़ों के अंदर भी पाया जाता है, ये जज्बा वहां की खवातीन के अंदर भी पाया जाता है, ये जज्बा वहां के पढ़े लिखे अनपढ़ के अंदर भी पाया जाता है। हर बंदे के अंदर यह जज्बा पाया जाता है कि जान अपनी फिदा कर देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा के ऊपर आंच
से नहीं आने देंगे। आप हजरात ने वीडियोस के अंदर देखा होगा वो फलस्तीनी माह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस बाबरकत महीने के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज की हालत में उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई, उनके ऊपर फायर कर दिए गए, लेकिन उन हजरात ने नमाज को न तोड़ा, वो नमाज तोड़ते हुए भागते हुए नजर नहीं आए, हत्ता कि नमाज की हालत में उनको शहीद कर दिया गया। लोग गए थे अपने घर वालों को बता के मैं तरावी पढ़ने के लिए जा रहा हूं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जब वापसी गए तो किसी के हाथ के अंदर बच्चे की लाश थी, किसी के हाथ के अंदर भाई की लाश थी, किसी के हाथ के अंदर भतीजे की लाश थी। गए थे नमाज पढ़ने के लिए, गए थे अल्लाह की इबादत करने के लिए, गए थे अपने आप को मुआफ करवाने के लिए, लेकिन अपने बाजों के अंदर, अपनी झोली के अंदर अपने मासूमों का खून लेके चले गए। उनके कपड़ों के ऊपर भी खून लगा हुआ था, लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो घर का मुआमला भी बड़ा अजीब होता है। घरों की छतों के ऊपर बमबारी करके खवातीन को उसी घर के अंदर बिस्मार कर दिया गया, जिंदा दफन कर दिया गया। ये जो बच्चियों के साथ जुल्म हुआ, मासूम बच्चों को तड़पा के रख दिया गया, खाक को खून के अंदर नहला दिया गया, वो बच्चे खून के अंदर जो नहला दिए गए, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा से सवाल कर रहे हैं बे अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, आखिर किस जुर्म की वजह से हमें कत्ल कर दिया गया, आखिर किस गुनाह की वजह से हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, आखिर किस जुर्म की वजह से हमारे जिस्म से खून बहा दिया गया, आखिर हमारा जुल्म तो बताओ, आखिर हमारा कसूर तो बताओ, हमारा जुर्म तो बताओ। अगर हमने किसी को कत्ल किया है तब तो बात समझ के अंदर आती है कि फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया जाए, अगर हमने किसी को कत्ल किया है तो सजा के तौर पे खत्म कर दिया जाए, अगर हमने कोई और बड़ा कबीरा गुनाह किया है जिसकी सजा कत्ल लिखी है, जिसकी सजा खत्म करना लिखा है, तब तो सजा दे सकते हैं। ना हमने किसी को कत्ल किया, ना हमने गुनाह कबीरा किया, हमारा सिर्फ जुर्म यही है कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए नारा बुलंद करते हुए नजर आते हैं, हमारा सिर्फ जुर्म यही है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हम सीसा पिघलाई हुई दीवार बन चुके हैं, हमारा सिर्फ जुर्म यही है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हम बाहर एक बाड़ लगाते हुए नजर आते हैं, हमारा सिर्फ जुर्म यही है कि इस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हमारे बड़ों ने वसीयत की थी कि बेटा जान दे देना लेकिन मस्जिद अक्सा के ऊपर आंच ना आने देना।